शायर इर्तिजा निषाद ने फरमाया है कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। सत्ता के मोह में कुर्सी से चिपके नेताओं के लिए यह बात कही गई है। हालांकि ऐसे नेताओं की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि उन्हें न ऐसी लाइनों से कोई फ़र्क पड़ता है, न अपनी नाकाबिलियत पर उन्हें कोई शर्मिंदगी ही महसूस होती है, न जनता की तकलीफ़ों से उनका कोई वास्ता रहता है। उनके लिए सत्ता सबसे बड़ा सच होती है और कुर्सी का साथ पूरी ज़िंदगी बना रहे इसके लिए अगर उन्हें विचारधारा से समझौता कर दल बदलना पड़े, धुर विरोधी पार्टी में शामिल होना पड़े, तो वे बेहिचक ऐसा कर लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में न जाने कितने ऐसे दल बदलू और सत्ता लोभी नेता देखे गए। दूसरे देशों में भी हाल कुछ अलग नहीं है। अमेरिका में हार के बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावों को गलत ठहराते हुए सत्ता में लौटने की कोशिश की, या हाल ही में ब्राज़ील में लूला डी सिल्वा की सरकार के खिलाफ पिछले राष्ट्रपति बोलसोनारो के समर्थकों ने जो उपद्रव किया, यह सत्ता लोभ का ही एग्जाम्पल है। हालांकि भारत में सोनिया गांधी जैसी नेता भी हैं जिन्होंने लाभ के पद का मामला उठने पर संसद पद से इस्तीफा देने में देर नहीं की। यूपीए के बहुमत में आने के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। उनसे पहले ज्योति बसु ने भी प्रधानमंत्री पद ठुकरा कर ऐसी मिसाल पेश की थी। हाल में दिवंगत समाजवादी नेता शरद यादव ने लोकसभा कार्यकाल को 6 साल करने के इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ कदम उठाते हुए संसद सदस्यता छोड़ दी थी। उस वक्त मधु लियमे ने भी अपनी संसद पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि जनता ने इन्हें 5 साल का जनादेश दिया था। दुख की बात है कि सत्ता का मोह न पालने वाले ऐसे नेताओं के एग्जाम्पल इतने कम हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जबकि जीवन के आखिरी पड़ाव पर आकर भी किसी पद की लालसा और लालच लगाए लोगों की कमी नहीं है। सत्ता के शीर्ष पर रहकर पद से विमुख होने के चंद अनूठे मिसालों में अब एक नाम और जुड़ जाएगा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने ऐलान किया है कि वे साल फरवरी तक लेबर पार्टी की नेता पद से इस्तीफा दे देंगी, जिसके बाद आने वाले दिनों में उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए वोटिंग होगी। उन्होंने कहा कि 6 साल तक इस चुनौतीपूर्ण पद को संभालने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, इसके बाद अब अगले 4 साल में उनके पास योगदान देने के लिए कुछ खास नहीं बचा है, इसलिए अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। जानने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड में इस साल 14 अक्टूबर को आम चुनाव होने वाले हैं। 2020 में हुए चुनाव में जेसिंडा आर्डन की रहनुमाई में लेबर पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली थी, लेकिन हाल के महीनों में देश के अंदर उनकी लोकप्रियता घटी है। सुश्री आर्डन का कहना है कि लेबर पार्टी की हार की आशंकाओं की वजह से वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं, बल्कि इसलिए दे रही हैं ताकि लेबर पार्टी जीत सके। एक ऐसा मजबूत लीडरशिप हमें चाहिए जो चुनौती ले सके। बड़ी वजाहत के साथ जेसिंडा आर्डन ने यह मान लिया कि जो चुनौतियां अभी उनकी सरकार के सामने पेश हो रही हैं उनका सामना करने में वे कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही हैं। अमूमन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ते हैं और जवाबदेही से बच जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की मौजूदा प्रधानमंत्री ने बड़ी साफगोई के साथ अपनी काबिलियत और सीमाओं को मान लिया है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं किया हो। ये जेसिंडा आर्डन का ही लीडरशिप था जिसमें न्यूजीलैंड कोरोना जैसी महामारी में बिना किसी खास नुकसान के निकल आया। जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों में त्राही त्राही हो रही थी तब न्यूजीलैंड में जनजीवन सामान्य था। इसी तरह आतंकवाद की चुनौती का सामना जेसिंडा आर्डन ने क्राइस्टचर्च मस्जिद में हुई गोलीबारी के वक्त किया। पीड़ितों को गले लगाकर यह संदेश उन्होंने दिया कि वे हर तरह के चरमपंथ के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की आड़ में फैलाया जाए। जेसिंडा आर्डन अपने अब तक राजनीतिक करियर में कई वजह से सुर्खियों में आई, जैसे 2017 में जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो उनकी उम्र महज 37 साल थी और उस वक्त वे दुनिया की सबसे कम उम्र की राष्ट्र प्रमुख थी। जून 2018 में उन्होंने अपनी संतान को जन्म दिया
और इस तरह वे बेनजीर भुट्टो के बाद दुनिया की दूसरी प्रधानमंत्री बनी जिन्होंने पद पर रहते हुए माँ बनने का गौरव हासिल किया। उस वक्त उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं काम करने वाली और माँ बनने वाली पहली महिला नहीं हूँ, कई महिलाओं ने पहले भी ऐसा किया है। यानी उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों को भी बाकी कामों की तरह ही माना और खुद को एक कामकाजी महिला समझा। समानता का यह संदेश आज की राजनीति में नायाब है, मिलना मुश्किल है। अपने पद से इस्तीफे की घोषणा करते हुए जेसिंडा आर्डन ने कहा कि मैं इस उम्मीद और विश्वास के साथ देश की लीडरशिप छोड़ रही हूँ कि देश का नेता ऐसा हो जो नेकदिल होने के साथ मजबूत हो, संवेदनशील होने के साथ फैसले लेने वाला हो, आशावादी हो और देश का काम एकाग्रता से करे और अपनी शख्सियत की छाप छोड़े और जिसे ये पता हो कि कब लीडरशिप छोड़ देना है। इस आखिरी सेंटेंस में उन्होंने गहरा संदेश दिया है कि नेता को पता होना चाहिए कि अब उसकी उपयोगिता खत्म हो रही है और उसे कुर्सी से उतर जाना चाहिए। जिस तरह कमल के पत्ते अपने ऊपर पानी की बूंदों को ठहरने नहीं देते, ऐसे अलहदा भाव से पद संभालना नायाब ही है। क्या ऐसा भारत में मुमकिन है? ये सवाल आपसे है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सवाल भी आपसे ही है। कमेंट में आप अपना जवाब ज़रूर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नए खुलासे के साथ।